NH-64 गुजरात के इसरा इलाही की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने महफूज कर लिया है फैसले को और रिटर्निंग ऑफिसर NH-64 ने अपनी रिपोर्ट भी जमा करा दी है। NH-58 चकवाल से आजमी की दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज कर लिया गया, इसी पर बात करेंगे। वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार सैयद, आगाह कीजिएगा, महफूज किया गया फैसला कब तक सुनाया जाएगा? जी बिल्कुल, NH-64 गुजरात से जो कैसरा इलाही है उनकी दरख्वास्त पर समाप्त हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराई में दो रुकनी कमीशन था जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हमें रिटर्निंग अफसर की रिपोर्ट जो है मौसूल हो चुकी है। तहम जो कैसरा इलाही के वकील है वकील आमिर सईद राम, उनकी जानब से कहा गया कि सालिक को जितवाने के लिए बड़े पैमाने पर दानदी की गई है। इलेक्शन से दो रोज कबल हमारे लोगों को उठाया गया है जबकि फॉर्म 45 में कटिंग के सालिक हुसैन चौधरी के वोट बढ़ाए गए हैं। जालसाजी पर रिटर्निंग अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जाए जबकि उनकी जाने से ये भी कहा गया कि हल्के के दीगर उम्मीदवारों ने भी फरीक बनने के लिए दरख्वास्तें जो है वो जमा करा दी गई हैं। दरख्वास्त गुजार ने हतमी नतीजा मुरतब करने के लिए असल फॉर्म यानी 45 जो है जमा नहीं कर रहे, ये इल्जाम आयद किया गया है। बहुत शुक्रिया वकार सैयद, आप हमें आगाह कर रहे थे।